Hey guys, welcome back. This is Chirag, और आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ ड्रॉइंग, बेसिकली पेंटिंग। तो आज मेरे पास कुबू की तरफ से कुछ पेंटिंग रिलेटेड आर्ट सप्लाईज आए हैं, एंड जल्दी से इन्हें ओपन करके देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हैं, एंड उनसे कुछ अच्छी सी पेंटिंग बना के देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैंने इसकी पहले से अनबॉक्सिंग कर दी। मजाक कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग नहीं की है, बस इसका पैकेज हटा दिया था क्योंकि मुझे बहुत चुल हो रही थी देखने की इसमें क्या है। बट अंदर का जो भी सामान है उसे मैंने हाथ नहीं लगाया है, तो इसको अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले मुझे देखने को मिल जाती है ब्रूस्टरो की तरफ से वाटर कलर ट्रेवल सेट। इसको देख फट गया। तो यहाँ पर मुझे वैरायटी ऑफ ब्रशेस देखने को मिल जाते हैं, एंड ये एक स्केचबुक टाइप है। सो ये A5 साइज बुक भी ब्रूस्टरो की तरफ से ही है। आप यहाँ पे बैजिंग देख सकते हो। इसमें आती है टोटल 25 शीट्स, 200 GSM का इसका पेपर है। जितने भी आर्टिस्ट लाइव पेंटिंग करने जाते हैं बाहर, तो उनके लिए ये काफी अच्छी चीज होने वाली है, क्योंकि ये पूरा सेट है जिसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी पेंटिंग से रिलेटेड। बस आपको अलग से अपने पेंटिंग कलर्स कैरी करने होंगे। ये सेट काफी छोटा सा एंड इजी टू कैरी है, एंड इसके साथ आपको कुछ इस तरह से टांगने के लिए भी मिल जाता है। तो मेरी तरफ से तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। नेक्स्ट आते हैं डर्वन कंपनी की तरफ से नीडेबल इरेजर। होपफुली आप नीडेबल इरेजर्स के बारे में जानते होंगे। ये एक क्ले की तरह होती है जिनको आप तोड़ के वापस मोल्ड करके अपनी शेप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, एंड नॉर्मल इरेजर से काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते हैं इससे। फिर मिल जाते हैं हमें ब्रूस्टरो की तरफ से एक्वा स्क्वीज ब्रशेज। अब ये कुछ अलग सी आइटम लगी मुझे, क्योंकि मैंने भी कभी यूज नहीं किए इन्हें, एंड मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ एक्वा स्क्वीज ब्रशेज। तो इन पेन में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी पेन्स में नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो इसकी टिप जो है वो ब्रश की तरह है, ये कोई पेन नहीं है, ये एक पूरा ब्रश है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पेंट भरने के बाद यहाँ से पेंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ही है ये पुश बटन। आपको यहाँ से पुश करना होगा एंड आगे से पेंट बाहर आएगा। इतना ही मुझे पता है, क्योंकि मैंने आज तक इनको यूज़ नहीं किया है, और उसे ही आज हम यूज़ करके देखेंगे। तीन तरह के ब्रशेज हैं, 4 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर का। अभी इन ब्रशेज को रख देते हैं साइड में, एंड लास्ट प्रोडक्ट हमें मिल जाता है यूनिपोस्का की तरफ से पेंट ब्रश। अब भैया पेंट मार्कर तो सुना था, ये पेंट ब्रश क्या है? तो मैं आपको पेंट मार्कर भी दिखा देता हूँ। पहले ये है मेरे पास यूनिपोस्का का पेंट मार्कर, एंड ये है पेंट ब्रश। दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों की कंपनी सेम है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको इसके नीचे देखने को मिल जाएगा। पेंट मार्कर की टिप मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की इसकी टिप होती है। इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ से पेंट निकल के आता है, और दूसरी तरफ जब मैं इस पेंट ब्रश की टिप देखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से है, एंड मैं इसको प्रेस नहीं कर सकता। तो इसमें पेंट लाने के लिए मुझे पीछे ये चीज दी हुई है, इसको प्रेस करूंगा तो इसका पेंट फ्लो बनेगा एंड वो टिप तक आएगा। सारे के सारे आर्ट सप्लाईज मुझे काफी यूजफुल लगे, एंड अब वापस आते हैं अपने एक्वा स्क्वीज ब्रशेस पे। तो इन ब्रशेस से आज कोई नई पेंटिंग बना के देखते हैं, एंड वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो कोई छोटी मोटी पेंटिंग बना के देखेंगे। बेसिकली इन ब्रशेस की वर्किंग किस तरह से होती है वो आज हम देखेंगे। तो इस पेंटिंग को बनाने में मैं मदद लेने वाला हूँ कैमल के एक्रेलिक कलर्स की, और मेरे पास है, आप देख सकते हो, 3 ब्रशेस हैं। तीनों की मैं टिप दिखा देता हूँ आपको, ओपन करके कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इस ब्रश को ओपन करके इसके अंदर पानी फिल करके देखते हैं किस तरह से काम करता है। जो दूसरा ब्रश है उसके अंदर मैं पानी के साथ पेंट भी मिक्स करके उसे यूज करके देखूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पेंटिंग कलर एकदम सूखा हुआ है, तो अब इसको मैं पुश करके इसमें वाटर अप्लाई करूंगा। एक बार पुश करने पे इसमें से बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी ही निकल पाता है, जो कि अच्छी बात भी है। बट अगर आप इसी को यूज़ करके कोई ज़्यादा बड़ा आर्टवर्क बना रहे हो तो आपके अंगूठे में भी दर्द हो सकता है। आप क्वांटिटी देख सकते हो कितना पानी इसमें से निकलता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इतनी ही क्वांटिटी में ये पानी बाहर आता है इसमें से। ये सबसे बड़े नंबर का ब्रश था, तो इसी तरह मैं दूसरे ब्रश को भी यूज़ करूँगा। इस ब्रश में मैं पानी के साथ पेंट का भी यूज़ करूँगा। पेंट की थिकनेस ज़्यादा ना हो इस ब्रश के लिए, इसीलिए मैं उसमें पहले से ही पानी मिक्स करके और फिर उसे इस ब्रश के अंदर डालूँ। तो
तो दोस्तों दोनों ब्रशेस की वर्किंग हमने देख ली है, एक में हमने पानी डाला था और दूसरे में पानी के साथ पेंट। तो अब देखा जाए तो जिस ब्रश में हमने सिर्फ पानी का यूज़ किया था वो ब्रश अंदर से भी बिल्कुल क्लीन है, उसमें बिल्कुल भी पेंट देखने को फंसा हुआ हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। जहाँ की दूसरा ब्रश जिसमें हमने पेंट का इस्तेमाल किया था उसकी टिप बाहर से साफ ही है। और अब बढ़ते अपनी फाइनल पेंटिंग की तरफ, सेम ही प्रोसीजर रहेगा, दोनों ब्रशेस को यूज़ करके एक पेंटिंग बना के देखते हैं छोटी सी। सेट में सिर्फ बड़े फ्लैट ब्रशेस ही थे, इसलिए बारीक डिटेलिंग के लिए मैं पॉइंटेड ब्रशेस का यूज़ कर रहा हूँ। एंड में बना दिए मैंने ऊपर आसमान में कुछ स्टार्स। और दोस्तों इसी के साथ हमारी पेंटिंग होती है ख़त्म। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।